ये कहानी है लखीमपुर की, जहाँ पीने के पानी के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। गांव के बाहर एक तालाब था, सभी लोग वहीं से पानी भरकर लाया करते थे और अपना जीवन बिताते थे। हमारा परिवार गांव के बाहर से पानी लाकर थक जाता है, सरपंच जी से बोलकर इसका निवारण करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक हमारे घर की बहू बेटियां गांव के बाहर वाले तालाब से पानी भरकर लाती रहेंगी। भाई तुम्हारी बात एकदम सही है दिनकर, हम सबको चलकर सरपंच जी से बात करनी ही होगी, तो देर किस बात की, चलो चले सरपंच जी के पास। गांव के कुछ लोग सरपंच के पास आ जाते हैं और अपनी बातें सरपंच के सामने रखने लगते हैं। सरपंच जी, अब आप ही इसका कोई निवारण बताइए। समस्या तो है ही गंभीर पानी की, पर इसका उपाय है एक, अगर तुम सब मेहनत करने को तैयार हो तो। सरपंच जी, आप बस उपाय बताएं, मेहनत तो हम कर ही लेंगे। हाँ हाँ सरपंच जी, आप बस उपाय बताइए, बाकी का काम हम पर छोड़ दीजिए। तो सुनो, हम सबको मिलकर गांव में एक तालाब का निर्माण करना पड़ेगा, जिससे हमारे गांव की महिलाओं को गांव के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरपंच जी, तालाब तो हम बना देंगे, पर तालाब में पानी कहाँ से आएगा? जो गांव के बाहर वाला तालाब है, हम उसी तालाब से जो नया वाला तालाब बनाएंगे उसे जोड़ देंगे और पानी आसानी से उस तालाब से इस तालाब में आ जाएगा। उपाय तो बहुत अच्छा है, पर कठिन भी है सरपंच जी। यह तालाब बनाना बहुत टेढ़ी खीर लग रही है मुझे। तुम्हारी कठिनता का उपाय है जिससे तुम लोगों का काम आसान हो जाएगा, तो जल्दी बताइए सरपंच जी, कैसे होगा हमारा काम आसान? अरे पूरे गांव में एक ही तो आदमी है जो किसी भी काम को बड़ी सरलता से करने में माहिर है, वो है अपना हरिदास। बात तो आपकी बिल्कुल सही है सरपंच जी, बहुत ही बुद्धिमान है अपना हरिदास। हम अभी जाकर उससे मिलते हैं और सारी बात बताते हैं, वो जल्दी ही कोई ना कोई उपाय बता देगा। गांव के सारे लोग हरिदास के पास जाते हैं। हरिदास उस गांव का बहुत ही बुद्धिमान किसान था, जो किसी भी काम को बड़ी सरलता से करने में माहिर था। सभी के सभी गांव वाले उसको सरपंच वाली बात बताते हैं। हरिदास, अब तुम ही इसका कोई समाधान निकालो। ठीक है भाइयों, अगर तुम सब मेरे भरोसे ही आए हो तो मैंने भी युक्ति सोच ली है, कुछ दिनों में ही हम इस काम को पूरा कर देंगे, मेरे पास बहुत अच्छी युक्ति है। तो देर किस बात की, चलो सब मिलकर अभी से काम शुरू कर देते हैं। सभी लखीमपुर वासी मिलकर गांव में तालाब खोदने का कार्य शुरू कर देते हैं और हरिदास की युक्ति ने लखीमपुर वासी का काम आसान कर दिया और कुछ ही दिनों में एक बड़ा तालाब उन्होंने तैयार कर लिया। हरिदास, तालाब तो खोद दिया हमने, पानी भी तालाब में आ गया, ये सब तुम्हारी मदद से ही हो पाया है, तुम ना होते तो हम लखीमपुर वाले बहुत परेशान रहते। ऐसी कोई बात नहीं है काका, आखिर मैं भी तो इसी गांव का निवासी हूँ ना, तो मेरा भी तो कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है, और देखिए हमारी मेहनत रंग ले आई। लखीमपुर वासी अब बहुत खुश थे, तालाब गांव में होने की वजह से अब औरतों को गांव के बाहर नहीं जाना पड़ता था। अरे गजब होई गवा भाई, गजब होई गवा, सब बेकार होई गवा, कुछ नहीं बचा भाई। अरे क्या हो गया, भागवान खा लिया है क्या, जो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, साफ साफ बता बात क्या है। अरे क्या बताऊं, अपने गांव वाले तालाब में मगरमच्छ आ गए हैं और उन्होंने बंसी की पत्नी को मार दिया जब वो पानी भरने के लिए तालाब पर गई थी। क्या, अरे पर अपने तालाब में मगरमच्छ कहाँ से आ गए, चलो सरपंच के पास चलते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। सभी गांव वाले सरपंच के पास जाकर मगरमच्छ वाली बात उसे बताते हैं। तुम सब में से उस तालाब के पास कोई भी नहीं जाएगा जब तक मगरमच्छ उस तालाब से नहीं चले जाते, ये बात पूरे गांव में बता दो सबको। सरपंच ने जो कहा था वो बात पूरे गांव में सबको बता दी गई। अब उस तालाब पर पानी भरने कोई भी नहीं जाता था। जब से गांव में मगरमच्छ आए हैं
फिर से पानी गांव के बाहर से लाना पड़ रहा है। भला गांव में तालाब बनाने का क्या फायदा? कह तो तुम सही रही हो माया, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं जाकर सरपंच जी से बात करता हूँ। हरिदास सरपंच से मिलने के लिए चल दिया और रास्ते में उसे रामदीन मिला। क्या हुआ रामदीन, बड़ी तेजी में भागा भागा जा रहा है, क्या बात है? क्या बताऊं हरिदास, बात ही कुछ ऐसी है। वो रामू की पत्नी है ना, वो पानी भरने के लिए तालाब पर गई थी पर मगरमच्छों ने उसे खा लिया। क्या बात कर रहे हो रामदीन, मगर वो गई क्यों जब उसे पता था कि तालाब में मगरमच्छ आ गए हैं? वो सब छोड़ो हरिदास, पहले इसका निवारण करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ही दिनों में पूरा गांव शमशान बन जाएगा। मैं इसी समस्या को लेकर सरपंच के पास जा रहा हूँ, चलो चलते हैं। गांव के कुछ लोग मिलकर सरपंच के पास आ जाते हैं और इस समस्या पर विचार विमर्श करने लगते हैं। सरपंच जी, ये सब जो गांव में हो रहा है इसको जल्दी हमें रोकना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हरिदास, वो कोई इंसान नहीं है जिनको समझाने से वो तालाब छोड़कर चले जाएंगे। तो क्या हम भूल जाएं उस तालाब को, जिस तालाब को बनाने में हमने इतनी मेहनत की उसे भूल जाएं? इसके अलावा कोई उपाय है तो बताओ रामदेव। इसका उपाय भी तो अब हरिदास को ही निकालना होगा। क्यों हरिदास, अब तुम ही बताओ कुछ इसका उपाय। मेरे हिसाब से हमें एक और तालाब बनाना पड़ेगा, वो भी गांव के दूसरी दिशा के बाहर। एक और तालाब, पर उससे क्या होगा हरिदास? मुझे ऐसा लगता है कि गांव के बाहर वाले तालाब में ये मगरमच्छ आए थे और पानी के बहाव में ये मगरमच्छ इस तालाब में आ गए और बहाव होने के कारण वापस नहीं जा पाए। इसके विपरीत तो अगर हम इसके विपरीत दिशा में एक छोटा सा तालाब गांव के बाहर बना दें तो हमारा गांव का तालाब भी साफ रहेगा और बहाव की वजह से मगरमच्छ भी उस तालाब में चले जाएंगे। तुम इतना कैसे सोच लेते हो हरिदास, तुम्हारी बुद्धि की जितनी सराहना की जाए उतना ही कम है। हम सब आज से ही इस काम में लग जाएंगे। हरिदास के बताए अनुसार सब गांव के बाहर एक तालाब बनाने लगे और 2 दिन में ही तालाब तैयार हो गया। इस तरह सारे मगरमच्छ गांव वाले तालाब से निकलकर दूसरे तालाब में चले गए और गांव का तालाब फिर पानी पीने योग्य हो गया। इस तरह हरिदास की बुद्धिमता से लखीमपुरवासी फिर से अपने बनाए तालाब से पानी भरने लगे। सुंदरपुरम गांव की सुंदरता ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी इस गांव में बसने की सोचता था। ऐसे ही इस गांव में आए थे रामचंद्र और उसका परिवार। रामचंद्र जब से इस गांव में आया था तब से इस गांव का मुखिया रामचंद्र से जलता था, बात बात पर वो उसे ताने दिया करता था। देख रामचंद्र, जब से तू इस गांव में आया है ना, सच बताता हूँ इस गांव के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और जब तक तू रहेगा इस गांव में अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। ये तो अपनी अपनी सोच है मुखिया जी, मानो तो सब अच्छा ना मानो तो सब बेकार। भाई मानना पड़ेगा, जवान लड़ाना तो कोई तुझसे सीखे रामचंद्र। मैं जवान नहीं लड़ा रहा मुखिया जी, बस शहर इस गांव से थोड़ा पास में है और इस गांव की सुंदरता भी बहुत अच्छी है तो यहां से जाने का मन नहीं करता। पर फिर भी आपको पसंद नहीं है तो बस मेरा बेटा पढ़ लिख ले, उसके बाद मैं यहां से खुद ही चला जाऊंगा। तेरा बेटा पढ़ लिख के कौन सा कलेक्टर बन जाएगा रे? अरे मेरे बेटे को देख, डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, डॉक्टरी की। ये तो बहुत अच्छी बात है मुखिया जी, और वक्त बताएगा कि किसका बेटा क्या बनता है। हाँ हाँ देख लेंगे, चल निकल यहां से, बड़ा आया देखने वाला। मुखिया की बातें रामचंद्र को कांटे की तरह चुभती थी, पर रामचंद्र करे भी तो क्या करे, मुखिया के आगे उसकी एक भी ना चलती थी। रामचंद्र वहां से चुपचाप घर आ जाता है। क्या हुआ पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? बेटा, रास्ते में मुखिया मिला था, उसकी बातें दिल को बहुत चुभती है, बहुत दुखती है उसकी बातें। कह रहा था कि उसका बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। अच्छा तो ये बात है, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाए फिर देख लेंगे मुखिया को और उसके बेटे को।
पर तू कौन सी पढ़ाई की ट्रेनिंग करने जा रहा है बेटा? तूने आज तक हमें नहीं बताया, आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा। पिताजी, शायद मैं बताऊं तो आप लोगों को अच्छा ना लगे, इसीलिए आपको नहीं बताया। भला ऐसी कौन सी ट्रेनिंग करने जा रहा है जिसे जानकर हम खुश नहीं होंगे, बता तो जरा। पिताजी, दरअसल मैं एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग के लिए शहर जा रहा हूँ। एग्रीकल्चर? ये कहाँ होता है बेटा? पिताजी, ये खेती से जुड़ी ट्रेनिंग होती है। अभी आपको ये पता नहीं चलेगा, जब मैं ट्रेनिंग पूरी करके आऊँगा तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। खेती से जुड़ी ट्रेनिंग? सुन लो भाग्यवान, मुखिया का बेटा डॉक्टर बनेगा और मेरा बेटा किसान। सुना तुमने शोभा? तुम्हारा बेटा किसान बनने की ट्रेनिंग लेने जा रहा है। क्यों रे बेटा, तू किसान बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था? भला उसके लिए इतने पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही अपने पिताजी के साथ खेत में चला जाता तो सीख गया होता। माँ, पिताजी, ये किसान बनने की पढ़ाई या ट्रेनिंग नहीं होती। इस ट्रेनिंग से मैं कृषि विज्ञान का शोधकर्ता बन जाऊंगा, फिर खेती से जुड़ी कैसी भी समस्या हो उसे चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दूंगा। पता नहीं बेटा, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर है, तुझे जो समझ में आए कर। ये बता, शहर कब जाना है तुझे? कल निकलना है पिताजी, परसों मेरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जा बेटा और आराम से अपनी ट्रेनिंग पूरी करना। पर मैंने सुना है कि जहाँ तेरी ट्रेनिंग होगी वहीं मुखिया के बेटे की भी डॉक्टरी की ट्रेनिंग होगी। क्या फर्क पड़ता है पिताजी, चलिए मैं आराम करने जा रहा हूँ, कल सुबह ही मुझे निकलना है। शोभा, कहीं हमारी नाक ना कटवा दे ये रमेश मुखिया के सामने। आप चिंता मत कीजिए, रमेश जो भी करेगा अच्छा करेगा, बस आप उस पे भरोसा रखिए। भरोसा तो है शोभा, तभी तो उसे ट्रेनिंग के लिए शहर भेज रहा हूँ। हाँ तो सारी चिंता छोड़िए और चलकर आराम कीजिए, कल सुबह बेटे को ले जाकर बस पकड़वा देना आप। बस 2 महीने की बात है, फिर मेरा बेटा डॉक्टर बनकर आएगा और रामचंद्र का बेटा किसान बनकर आएगा। अरे मुखिया जी, किसकी बात कर रहे हो आप? कहाँ आपका बेटा इतना होशियार और कहाँ इसका बेटा। रामचंद्र उन दोनों की बातें सुनकर नजरअंदाज करके वहां से चल देता है। आगे रमेश को बस पकड़वा के, बस लेट तो नहीं थी, सही टाइम पर मिल गई ना उसे। हाँ शोभा, बस तो मिल गई, पर क्या? पर शोभा, मुखिया भी अपने बेटे को वहीं छोड़ने के लिए आया था और वो लोग अजीब तरीके की बातें कर रहे थे जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ओहो, अब सब बातें छोड़िए, भूल जाइए उन सब बातों को और बेटे को ट्रेनिंग पूरी कर आने दीजिए। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और 2 महीने बीत गए। शहर से मुखिया और रामचंद्र के बेटे आ चुके थे। जहां एक तरफ मुखिया का बेटा गांव में अपना क्लिनिक खोलकर अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ रमेश अभी खेतों का परीक्षण ही कर रहा था। हाँ भैया, बताओ क्या प्रॉब्लम है तुमको? डॉक्टर साहब, पेट में गुड़गुड़ाहट रहता है, कोई बढ़िया दवाई दीजिए जिसे खाकर जल्दी ठीक हो जाऊं। इसके लिए दवाई की क्या जरूरत है, बस ऐसे ऐसे करो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, समझे? ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। हाँ क्या डॉक्टर साहब, ऐसे करने से मैं ठीक हो जाऊंगा? बहुत बढ़िया, दवाई तो हमको ऐसे ही खाने का मन नहीं करता है भाई, अब आपने हमको इलाज बता दिया, हम ऐसे ऐसे करके और ठीक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, कल मैं आपकी फीस दे जाऊंगा। ठीक है, समय पर आकर पैसा दे जाना, और सुनो ऐसे ऐसे करना ना भूलना, नहीं तो तुम्हारा पेट का दर्द ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, पर रमेश अभी भी खेत के परीक्षण में ही लगा हुआ था। इसी बीच में रामचंद्र की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो मुखिया के बेटे डॉक्टर के पास जाता है। बोलो काका, क्या समस्या लेकर आए हो, जल्दी बताओ, मैं हर समस्या का सॉल्यूशन हूँ। बेटा, कुछ दिन से बुखार आ जा रहा है, बहुत परेशान हूँ, कुछ दवाई है तो दे दे। अरे काका, ये वायरल बुखार है, इस समय आता ही है, आप चिंता मत करो,
चिंता मत करो, मैं कुछ दवाई दे देता हूँ, जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है बेटा, दे दे। वैसे बेटा तू यहाँ बहुत अच्छा कमा रहा होगा ना? हाँ काका, कमा तो रहा हूँ। महीने का पूरे 1,00,000 रुपए कमाया है मैंने, पूरे 1,00,000 रुपए। क्या 1,00,000? शाबाश बेटा, तूने अपने बाप का सही नाम रोशन किया है। और एक मेरा बेटा है, क्या ही बताऊं। अरे काका, मैंने उसे कहा था ये एग्रीकल्चर की पढ़ाई छोड़ और मेरे साथ डॉक्टरी की पढ़ाई कर ले, पर नहीं माना। अब देखा। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। ठीक है काका, ये लो अपनी दवाई और मेरी फीस भिजवा देना। काका वो क्या है ना, काम से कोई समझौता नहीं। ठीक है बेटा, मैं कल ही दे दूंगा तेरे पैसे। रामचंद्र जब घर आ रहा था तब रास्ते में उसे उसका बेटा खेत में दिखाई दिया। तब वो उसके पास जाकर बोलता है, भास्कर बेटा, तुझे 1 महीने से देख रहा हूँ। सुबह खेत में आ जाता है और शाम को घर चला जाता है। उधर मुखिया का बेटा हर दिन नोट छाप रहा है, हर दिन। तुझे पता है उसके बेटे ने 1 महीने में पूरे 1,00,000 रुपए कमाए हैं। दूर दूर और शहर शहर से लोग उसके पास इलाज के लिए आ रहे हैं, और एक तू है कि दिन भर खेत में ही पड़ा रहता है। पिताजी, बस उसने 1,00,000 ही कमाए हैं ना, आपको पता है महीने के मैं कितने कमाता हूँ? पूरे 1,50,000 रुपए। क्या 1,50,000 रुपए? बुद्धू बना रहा है क्या रे तू? दिन भर तुझे खेत से फुर्सत नहीं मिल रही, तू कमा कहाँ से रहा है? ये खेत ही मेरी कमाई है पिताजी। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और सरकार मुझे इस काम के लिए वेतन देती है, वो भी पूरे 1,50,000 रुपए। अच्छा, तू सच कह रहा है बेटा? फिर तो मुखिया से मिलने का समय आ गया है। चल बेटा, उसको दिखाते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है पिताजी, कल सरकारी कर्मचारी निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। सबके सामने वो मेरे बारे में खुद ही बता देंगे, तब मुखिया को खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और कितना कमाता हूँ। आप थोड़ा सब्र रखिए और घर चलिए। रमेश अपने पिताजी को लेकर घर आ जाता है। घर पर आने के बाद रामचंद्र शोभा को अपने बेटे के बारे में सारी बातें बता देता है, जिससे शोभा भी बहुत खुश हो जाती है। मैं ना कहती थी कि अपना रमेश अपना नाम जरूर रोशन करेगा, देखिए आज इसकी पढ़ाई काम आ गई। हाँ शोभा, हम बेकार में ही इस पे शक कर रहे थे, अब कल पता चलेगा मुखिया को कि मेरा बेटा क्या चीज है। देखिए आप सब ध्यान से सुनिए, हम कृषि विभाग की तरफ से आए हैं और हमने अपना एक कर्मचारी यहाँ नियुक्त किया हुआ है जो आपके खेतों का निरीक्षण करेगा और कोई भी समस्या होगी तो उसे वो ठीक करेगा। उसका नाम रमेश है, जो इसी गांव का रहने वाला है। हाँ हाँ साहब, वो तो हमें पता था कि ये बस यहाँ खेती ही देखेगा। क्यों रामचंद्र, देखा मेरा बेटा महीने का 1,00,000 कमा रहा है, तेरा बेटा खेतों में घूम रहा है। मिस्टर मुखिया जी, आप जिसे खेतों में घूमने वाला समझ रहे हैं उसकी सैलरी पूरे 1,50,000 रुपए है, समझे आप, जो आपके बेटे से कहीं ज्यादा है। रमेश एक काबिल वैज्ञानिक है जिसकी तुलना आप अपने बेटे से नहीं कर सकते, समझे। क्या 1,50,000 रुपए, वो भी पूरे 1 महीने का? हाँ मुखिया जी, मैंने कहा था ना वक्त बताएगा, आखिर वो वक्त आ गया और पूरे गांव ने देख भी लिया और सुन भी लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रामचंद्र, आगे से मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। मुखिया जी, मैं आपसे कभी नाराज हुआ ही नहीं, बस अब हम इस गांव से चले जाएंगे, शहर में रह लेंगे, आपको हमारा यहाँ रहना पसंद भी तो नहीं? नहीं नहीं रामचंद्र, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम और तुम्हारा परिवार अब इस गांव के ही सदस्य हैं और वो यहीं रहेंगे। इस तरह मुखिया को अकल आ गई और किसान के बुद्धिमान बेटे ने अपने पिता की लाज भी बचा ली।